अभी मैं तो ऑफिस चलने के लिए तैयार हूँ ना के, और तन्नू का चल रहा है फिलहाल नाश्ता। आज ताऊ के साथ नाश्ता करने का मौका मिल गया है, बहुत बढ़िया वाला। ताऊ की आज छुट्टी है, आज नहीं जाएंगे। और बिस्किट तो करीन करीन बिस्किट भी तो खाई गई, वैसे वैसे छोड़ दिए, अब तो कोई भी खा लो, जो भी करीन थी वो तो सब सफा हो गई है। और तन्नू ने रात से बिल्कुल आइसक्रीम खानी बंद कर दी है और फ्रूटी पीनी बंद कर दी है। इसने एक फोन में फोटो देख लिया है आइसक्रीम में चिपकरी वाला फोटो, तो अब तन्नू को पता लग गया है कि आइसक्रीम नहीं खानी है बाहर की, और घर की बना के ही खानी है। छोटी छोटी आइसक्रीम बनाऊंगा। हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, और इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। तो जी देखिए, बस खाना इनका तैयार है और जाने के लिए तैयार है। आज तू मुझे जबरदस्ती भेजा जा रहा है कि जल्दी चले जाओ, जल्दी चले जाओ। आज तो बात है, आज ना बैंक में थोड़ा सा ज्यादा काम है, और मैंने बस ये बोला था कि मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है, तो इसलिए इसने जल्दी काम तैयार कर दिया है। और तबियत तो खैर इसकी ऐसी है, कभी ठीक कभी खराब, कभी ठीक कभी खराब, कंफ्यूज कर रखा है कि हो क्या रहा है, कभी कुछ, और बस समझ नहीं पा रहे, डॉक्टर लोग नहीं समझ पा रहे, हम तो बहुत दूर की बात है, छोटे से आदमी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खांसी का जुकाम ज्यादा हो रहा था, उसकी वजह से मेरे सारी बॉडी में पेन हो रहा था, तो उस वजह से मैं ऐसा कर नहीं भेजा था। जैसे इन्होंने मुझे खांसी की दवाई लाके दी डाबर हनी टस्ट, तो उससे मुझे बहुत आराम मिला है पीने से। और जी मैं बताऊँ आपको कि मेरी आंखों का दर्द भी चला गया है एकदम से, और जो मेरी मतलब यहाँ पे गले में यहाँ पे जलन हो रही थी ना और दर्द हो रहा था, वो भी ठीक हो गया है। तो जी बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे वो दवाई लेकर के। मैं सोच रही हूँ कन्नू को भी दूँ मैं उसको, तो 5 ml उसको लेनी है और 10 ml मुझे लेनी है, 3 times लेनी है मुझे तो, और उसको 2 times ही दूंगी, ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, लेकिन दूंगी जरूर 5 ml, क्योंकि जब मुझे इतना इफेक्ट किया उसने तो कन्नू को तो बिल्कुल ठीक कर देगी। डॉक्टर ने साहब ठीक हो? तो जी पिताजी के पास बैठा था, बस चलने की तैयारी है, और नारियल गोला खा रहा हूँ। खाऊं तो या फिर लो खा लेते हो? पिताजी के दांत अभी है नकली वाले, अच्छे है नकली वाले है, खा लो देश से बोले मेरे। तो जी मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए, और भाई को आज साथ लेके जाना है, तो उनको भी लेके चलता हूँ। केले भी लेते हैं ना, अंगूर तो लेते हैं ना। हाँ हाँ मैं लेके आऊंगा, ऐसे लेके आना जो खत्म नहीं हो। बहुत सारे लेके आने हैं, ये जो खराब ना हो, जो खराब ना हो। चलो तो ये मेरे टिफिन रखो जरा मेरी डिग्गी में, बोल दे दीदी के भाई भारी है। ऐसे क्या दे दिया आज आपकी मम्मी ने इसमें? भाई बहुत सारे। अभी देखिए मुझे कन्नू को दवाइयाँ देनी है, और मम्मी बोल रही थी इसको पकड़ना बहुत ही बड़ी बात है, और मेरे से तो पकड़ा नहीं जाएगा, तो फिर मैं कहने लगी ठीक है मम्मी मैं ही पकड़ लूँगी इसको, और आपको सिर्फ दवाई इसके मुंह में डालनी है, इसको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, और ये देखिए मैंने इसको पकड़ लिया और ये जबरदस्ती कर रहा है। वैसे ये रिस्क है लेकिन क्या करें, दवाई तो देनी पड़ेगी इसको और मुझे पकड़ना जरूर पड़ेगा इसको। तो जी देखिए बहुत ही मुश्किल से दवाई लेता है ये, और इसको दवाई दे दी है, और मम्मी ले आई है आज बहुत सारी सब्जी, बैंगन लेकर के आई है और मूली लेकर के आई, मूली है ना बहुत मुश्किल से मिली है, वैसे कोई सब्जी वाला लेकर के नहीं आता था, लेकिन एक भैया जो है तांगे में लेकर के आ गए थे, तो मम्मी कहने लगी कि लेने का मन तो नहीं कर रहा था इनको, लेकिन है ना ज़्यादा बड़ी बड़ी मूली है और आजकल की मूलियाँ जो है ख़राब ही निकलती है, तो मैंने कहा ठीक किया आपने ले ली, और हमारे सिरके में भी मूलियाँ डलनी है, तो मम्मी इनको साफ़ कर रही है, और फिर मैं इनको धो करके लाऊंगी एक बार, और यहाँ पे मैं मिर्चों की जो डंठल है वो निकाल रही हूँ, टमाटर ले लिया है, खीरे ले लिए हैं, मूली ले ली है, बहुत अच्छा लगा जब सारी की सारी सब्जी आ जाती है घर में, तो टमाटर तो मुझे खाने बहुत ही ज़्यादा पसंद है, काला नमक डाल करके मैं टमाटर खाती हूँ शाम के टाइम, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है टमाटर खा करके, थोड़ा हर नमक का हो जाता है, काला नमक मेरा बहुत ही अच्छा लगता है, और खीरा भी कभी कभी खा लेती हूँ, और कन्नू का तो फेवरेट ही है आप सभी को पता है, कन्नू कहता है कि मेरा तो फेवरेट है खीरा, और वो मस्तियाँ कर रहा है पीछे और हम इधर काम कर रहे हैं, वो लगा रहता है किसी ना किसी काम में, ये नहीं है कि ज़्यादा परेशान करता है। और मम्मी कह रही थी कि ये एक मूली तो नेड़ा निकल गई, और ये देखिए कितनी मोटी मोटी मूलियाँ हैं, बस ये सारी की सारी छिल गई हैं, और थोड़ी देर के बाद इनको धो करके ले आऊँगी मैं, और वो एक डब्बे में सारे के सारे टमाटर भर रहा है और निकाल रहा है, भर रहा है निकाल रहा है, फिर कह रहा है मम्मी देखो कहाँ गए सारे टमाटर, और नींबू तो इतने महंगे हो गए हैं, बाप रे बाप बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो 2 नींबू लेकर के आई है ये मेरे लिए कि टेस्ट सा ठीक हो जाएगा, नींबू मतलब चखने से थोड़ा अच्छा हो जाता है मन,
फिर भी गला दुख रहा है, चलो नींबू भी चखेंगे हम। और ये देखे मम्मी है ना, इनको धोकर के ले आई है। मैं कन्नू को पकड़ने के लिए भाग गई थी यहाँ से, और वो है ना बाहर जाने की जिद कर रहा है बार बार। तो उसको बाहर जाने के लिए बहुत ज्यादा रोकते हैं हम, कम से कम ही जाने देते हैं। गेट बंद करके आई हूँ, और उसको भी ले करके आ गई थी मैं, और मम्मी ने जब तक ये सारी की सारी मूलियाँ काट दिए हैं। और यहाँ पे मैं अवनी से पूछ रही थी कि ये खट्टी मीठी नमकीन है खाओगे ये, तो वो कहने लगे नहीं आंटी जी ये हमें पसंद नहीं है बिल्कुल भी, मुझे है ना वे दूसरी मोटे वाली गिरी वाली पसंद है और मैं इनको नहीं खाती हूँ। तो अवनी का जो है आज फ्यूचर इंडस्ट्री टेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया, उसका टेस्ट भी हो गया है, उसको समझा कर दिया था मैंने। और अभी इसका चलने वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसके समझ में आ गया है। और ये कह रही थी कि कल इसका टेस्ट ले लेना आप, और ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इधर गुंजन अपनी लर्निंग वर्क कर रही है, और इधर उधर देख करके उसको एक बार रिविज कर रही है उसका, और मम्मी भी कुछ काम में लगी हुई है। तो जी देखिए यहाँ पर है ना, मम्मी है ना मूली ले ली है, और मिर्ची भी ले ली है हरी मिर्ची। और ये मूली हमने काट करके धो करके सुखा लिया अच्छे तरीके से, और सुखाने के बाद में बस अब इसको सिरके में डालेंगी। पहले सबसे पहले मूली डाल दे रही है ये, और जो बबली दीदी के यहाँ से आज ये जो कन्नू का कोल्ड ड्रिंक आया था, इसको कोल्ड ड्रिंक बोल रहा था कन्नू, तो ये कोल्ड ड्रिंक में आज ये हरी मिर्ची और मूली डाल देंगे, और देखते हैं कुछ दिनों के बाद निकाल करके ये कैसी लगेंगी। खाने में बहुत टेस्टी लगती है, अगर आपको भी ट्राई करना है तो जरूर कीजिए। और सिरका बबली दीदी ने भेजी दिया 1 लीटर, तो जी चलिए डाल देते हैं इसमें सिरका। छान रखा है ये सिरका बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने, छान वान करके अच्छे तरीके से जब दिया है, और बस इसमें ये मूलिया डूब जाने चाहिए बस, और ज्यादा नहीं। और देखिए जी आधा सिरका हमारा बच भी गया है, और हम इसमें फिर से कभी भी मूली डाल सकते हैं, जो यूज किया हुआ सिरका है उसमें दोबारा से फिर भी डाल सकते हैं हम मूलियाँ। दिखा तो फिर लो, और वो लाल लाल कौन दिख रहा है ना, एक लाल लाल दिखाई दे रहा है ना। आइसक्रीम को खा के मर गया कौन? यो भाई, मेरे भाई को बुला लिया, आइसक्रीम को खा के मर गया। ऑफिस से आया था, और मैंने देखा कि कन्नू अब पिताजी के पास में बैठा हुआ कुछ बातें कर रहा है। दादा पोते फोन में कुछ देखा देखी कर रहे हैं, और शायद कन्नू कभी कभी पिताजी को समझाता रहता है। फिलहाल वही बात चल रही है, पिताजी अपना टीवी देख रहे थे, पर जब आए तो इसके साथ लड़ना पड़ गया, क्योंकि पिताजी को फोन चलाना सिखा रहा है कि कैसे फोन चलता है और कैसे देखते हैं, और चलाता खुद ही रहता है। आज पिताजी को कहाँ लेकर गए थे बताओ? कहीं नहीं लेकर गए थे। लेगा पिताजी तो कह रहे लेकर गए थे, माता की दुकान पर लेकर था। झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या छीन ली थी? गाड़ी गाड़ी और लड़की रही थे, लड़ रहा था इनके ले जाओ घर से। अच्छा फिर घर ले जाने को लाल अभी लम्बा जा। अच्छा जी भागा भागा चलेगा बेटे, गिर जाओ गिर जाओ गिर जाओ। दिन में तो ये पिताजी को परेशान करता है, और शाम को आने के बाद मुझे, और बस इससे कोई मतलब नहीं, इसकी बैटरी फुल रहती है हमेशा। ये किसी को परेशान कर सकता है, अपने ताऊ जी को, अपनी मम्मी को, अपने दादी को, पता नहीं क्या क्या बता रहा है मुझे। अरे वो मकान उनके फूट रहे हैं, अमित भैया के, अमित नहीं है वे, नए मकान बना रहे हैं, उनकी वीडियो चल रही थी, वो उनके मकान पे काम चल रहा है बेटे, है ना। हाँ चलो मम्मी से मिल के आते हैं। नुको पिताजी
थोड़ी देर में आ जाऊंगा आपके पास में। ले पकड़। बोल दो पिताजी को। अपने आएगा? हाँ आएगा पिताजी के पास। अभी आएगा? कब आएगा? अभी आएगा। आए हैं इधर हम बोबी के पास और बोबी से पूछेंगे हम खाने में क्या बना रही है भाई बोबी। आलू बैंगन है और टमाटर भी डाल रखा है मेरे लिए। हाँ, आपके हाँ। लिए। और कन्नू के लिए क्या बन रहा है? कन्नू के लिए कुछ नहीं बन रहा है, जब ये खाता नहीं मेरे हाथ से। ओहो, कन्नू मम्मी हाथ से नहीं खाता? चलो मेरे नाम नहीं करता। मम्मी हमारे लिए सलाद काट रही है और सलाद सबके लिए कटेगी, अंशी के लिए, अक्षित के लिए, कन्नू के लिए और कन्नू के लिए और कन्नू की मम्मी के लिए। तो जी कन्नू कर रहा है अपनी मम्मी की हेल्प। जो सारे बर्तन है टारगेट दिया गया कि सारे बर्तन यहाँ पर लगाने हैं। और अंशी खड़ी भी देख रही है कि छोटा सा लड़का कैसे काम कर रहा है अपनी मम्मी का। ये गिलास लेके आया है और गिलास भी इसमें रख देगा। तो जी सारे के सारे बर्तन एक साथ ही उठा के ले आया अब के। तो बार बार आने का झंझट ही खत्म कर दिया लड़के ने। इधर मम्मी को एक नया काम मिला है मलाई जमाने का, और वो काम मम्मी कर पाती है अच्छा जमाने वाला, क्योंकि मम्मी ने पहले बहुत मक्खन निकाला है और बहुत दूध मिलाया है। तीन तीन भैंस मम्मी ने पाल रखी थी और मुझे खूब छकाया मक्खन में, और जवन लगाने का एक्सपीरियंस पूरा पक्का है बोबी का और हमारा सबका फेल है। मम्मी का एक्सपीरियंस पूरा पक्का है, तो इसलिए ये काम मम्मी को दे दिया जाता है मलाई जमाने का। बोबी को तो मौज आ गई, बॉबी को तो नया एक काम करने वाला मिल गया है ना बॉबी? कैसा लग रहा है बर्तन धुआ के मेरे लड़के पे? बर्तन तो धुआई नहीं उस पर, लेकिन उस पर रखवाए बर्तन। हाँ मतलब धुआए बर्तन रखे, कैसा लग रहा है? अच्छा धुआए का, मैंने सोचा धुआए का तो बहुत ही अच्छा लगा। उसने सारे के सारे बर्तन उल्टे सुलटे रख दिए, नहीं तो मैं आराम से लगा के रखती इनको इसमें टोकरे में भी। अब तो आराम से लगा ले उसने, कम से कम यहाँ रख दिए। वो ऐसे नहीं रखे, तो उसने पहले उसने हीरस कर दी, पहले मैं उठा के रखने वाला था, मैंने एक रखा उसने सारे रख दिए मेरे से पहले। तो इस तरह से बच्चों को ना हीरस लग जाती है कि हाँ ये कर रहे हैं, तो चलो फिर ना मैं कर लूँ। तो जी चलिए अभी मिल के आते पिताजी से और देखते होते पिताजी हमारे क्या कर रहे हैं। रात का वक्त हो गया है और सभी लोग सोने वाले हैं, तो पिताजी के पास आए थे हालचाल पूछने के लिए। पिताजी वही अपना महाभारत रोज देखते हैं, वो देख रहे थे। और पिताजी की तबीयत कैसी है अब पिताजी बताएंगे? ठीक हो गई खांसी? अभी ठीक नहीं है। अभी खांसी ठीक नहीं है, अभी मेडिसिन चल रही है। ठीक है जी, तो देखते हैं शायद हो सके एक दो दिन में खांसी ठीक हो जाएगी पिताजी की। पिताजी ज़्यादा तो खांसी नहीं हो रही? ना ज़्यादा नहीं है, हल्की सी है। चलो जी जितनी भी है ठीक हो जाएगी। तो जी अपनी वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं, जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।